राधे राधे, जय श्री कृष्णा। कैसे हैं भक्तों आप सब? आई होप सभी अच्छे ही होंगे। मैं संगीता शर्मा भक्ति भजन रिया के चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो भक्तों, आज की वीडियो है जो पौष माह में जो पुत्रदा एकादशी आती है, आज की वीडियो वो ही है कि एकादशी कब है पौष माह की, पुत्रदा एकादशी तो, और उसकी पूजा विधि। तो भक्तों, इसको बैकुंठ एकादशी भी कहते हैं, पुत्रदा एकादशी भी कहते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो भक्तों, मैंने ले लिए चौकी, चौकी पे बिछा लिया एक येलो कलर का कपड़ा, क्योंकि हमारे विष्णु भगवान को येलो कलर अति प्रिय है। तो अगर येलो कलर का कपड़ा है तो आप येलो कलर का कपड़ा बिछाएं, नहीं तो आप रेड वगैरह कुछ भी बिछा सकते हैं। और अपने लड्डू गोपाल, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी हैं तो लड्डू गोपाल जी को भी आप येलो कलर की ड्रेस पहनाएं। तो मैं ले लूंगी थोड़ा सा, मैंने दे दिया है फूलों का आसन। और सबसे पहले गणपति जी की पूजा होती है तो गणपति जी को हम विराजमान कर देंगे फूलों के आसन पर, और फिर करेंगे विष्णु भगवान को। तो भक्तों, अगर आपके पास विष्णु भगवान है तो विष्णु भगवान को भी रखें, लड्डू गोपाल है तो लड्डू गोपाल जी को भी रखें। अगर आपके पास विष्णु भगवान नहीं है या फिर लड्डू गोपाल नहीं है, दोनों में से एक को रख सकते हैं। अब कर लेंगे हम अपने विष्णु भगवान को विराजमान। तो मेरे पास फोटो है विष्णु भगवान की, मैं वो रख लूंगी। अगर आपके पास मूर्ति है पीतल की तो आप वो भी रख सकते हैं। और उनको आप पंचामृत से स्नान कराएं। और अब बिठा लेंगे लड्डू गोपाल जी को, तो लड्डू गोपाल जी को भी हम फूलों का आसन दे देंगे। तो मैंने बिठा लिया लड्डू गोपाल जी को। अगर आपके पास लड्डू गोपाल हैं तो उनको भी बिठाएं, क्योंकि बाल रूप की ही सेवा होती है, क्योंकि पुत्रदा एकादशी है। तो आप लड्डू गोपाल जी को जरूर बिठाएं अगर आपके पास हैं, नहीं है तो फिर आप विष्णु भगवान जी की ही पूजा करें। इनकी कैप उतर रही है तो इनको मैं पहना लेती हूँ कैप। तो हमारे लड्डू गोपाल जी को ठंड लग जाएगी, इन्होंने कैप उतार दी है तो इनको मैंने पहना दी है कैप। तो अब कर लेते हैं पूजा स्टार्ट। तो सबसे पहले हम अपने गणपति भगवान को लगाएंगे चंदन का तिलक और रोली का तिलक, और विष्णु भगवान को भी हम चंदन का तिलक लगा देंगे। लक्ष्मी माता भी हैं जो भी इस फोटो में है, सभी को हम तिलक लगा देंगे। लक्ष्मी माता को लगा देंगे रोली का तिलक, और गणेश जी को भी रोली का, और चंदन का मैंने लगा ही दिया है। लक्ष्मी माता को रोली का लगा देंगे, और अपने लड्डू गोपाल जी को भी हल्का सा तिलक लगा देंगे। और अब मैं चढ़ा दूंगी विष्णु भगवान जी को जनेऊ, और गणेश भगवान जी को भी जनेऊ चढ़ा देंगे। तो ये जनेऊ चढ़ा दिया है मैंने गणेश भगवान को। अब विष्णु भगवान को भी चढ़ा देंगे हम जनेऊ। तो विष्णु भगवान को मैंने येलो कलर का जनेऊ चढ़ाया है, और वस्त्र रूपी कलावा चढ़ा देंगे गणेश जी को भी और विष्णु भगवान को भी। और लड्डू गोपाल जी को मैंने वस्त्र पहनाए हुए हैं तो मैं इनको कलावा नहीं चढ़ाऊंगी। कलावा चढ़ा दिया हमने, और अब कर देंगे पुष्प अर्पण। तो सर्वप्रथम गणेश जी की पूजा होती है कोई भी पूजा में, तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा होती है, तो इसलिए हम पहले गणेश जी की ही पूजा कर रहे हैं। अब विष्णु भगवान को फूल चढ़ा देंगे। माला है तो आप माला भी चढ़ा सकते हैं। लड्डू गोपाल जी को भी फूल चढ़ा देंगे, और लक्ष्मी माता को थोड़े से हम गुलाब की पत्तियां चढ़ा देंगे। पहले मैं लड्डू गोपाल जी को फूल चढ़ा देती हूँ। और चाहे तो आप कलश की स्थापना कर सकते हैं, नहीं तो आप ऐसे भी पूजा कर सकते हैं। सिंपल तरीके से बता रही हूं मैं आपको पूजा करनी। अब लक्ष्मी माता को थोड़े से हमने गुलाब की पत्तियां चढ़ा दिया, तो सभी को थोड़ी थोड़ी गुलाब की पत्तियां चढ़ा देंगे। तो ये हमारे लड्डू गोपाल जी की गाय माता, इनको साथ में बिठाना चाहिए। और इनको मैंने गरम शॉली उड़ाई हुई है, तो गाय माता को भी फूल चढ़ा देंगे, तिलक लगा देंगे। अगर आपके पास गाय माता है तो साथ में जरूर बिठाएं। तो तिलक लगा देंगे। और भक्तों, उस दिन चावलों का यूज नहीं होता एकादशी पे, तो उसकी जगह हम जैसे चावल का तिलक के बाद चावल लगाते हैं, तो मैंने ये तिल लगा दिए, ये तिल लिए हैं, तो सभी को मैं तिल अर्पण कर दूंगी थोड़े थोड़े।
और ये हमारे लड्डू गोपाल जी की बांसुरी। तो अब दीपक जला देंगे, पहले दीपक की तैयारी कर लेंगे फिर आगे की पूजा शुरू करेंगे। तो मैंने ये दीपक जला के रख दिया है, धूप जला लिए उधर, और ये काशी महात्म की बुक है तो इसका भी हम पूजन कर लेंगे, साथ साथ तिलक लगा देंगे, फूल वगैरह चढ़ा देंगे। तो भक्तों ये जो पुत्रदाय काशी है संतान प्राप्ति के लिए भी होती है, उस दिन आप व्रत रख सकते हैं जिनको संतान नहीं है। कालिया फूल चढ़ा देंगे। और भक्तों ये जो व्रत होता है पुत्रदाय काशी होती है जो पौष माह में आती है, ये संतान प्राप्ति के लिए व्रत रखा जाता है। जिन लोगों को संतान नहीं है उन लोगों के लिए यह व्रत बहुत ज्यादा शुभ फलदायी देता है। तो इस दिन आप व्रत रखें, पूजा करें। अब हम गणेश भगवान को लगा देंगे भोग। तो इसमें मैंने तुलसी पत्र नहीं डाला है क्योंकि गणेश भगवान जी के भोग में तुलसी पत्र नहीं डाला जाता है, तो इनको हम बिना तुलसी के भोग लगा देंगे गणेश जी भगवान को। अब लड्डू गोपाल जी को लगा देंगे हम माखन का भोग। तो इसमें मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी। और ये जो मैंने मेवे से बनी मिठाई बनाई हुई है ये मैंने घर में ही बनाई है, तो इनमें सभी में मैं तुलसी पत्र डाल दूंगी। तो इसमें डाल देंगे तुलसी पत्र क्योंकि हमारे विष्णु भगवान लड्डू गोपाल जी बिना तुलसी के भोग नहीं लगाते हैं, इसलिए इसमें तुलसी मैंने डाल दिया है। अब फलहार का भोग लगा देंगे, जो भी आपके पास फल हो तो आप फल का भी भोग जरूर लगा दें। फल पे भी हम तुलसी रख देंगे। और एक कटोरी में मैंने मिश्री रख दी है, तो मिश्री में भी मैंने तुलसी पत्र डाल दिया। विष्णु भगवान और लड्डू गोपाल जी के लिए भोग मैंने यहीं पे रख दिया है। अब विष्णु भगवान के चरणों में कर देंगे हम तुलसी अर्पण, और लड्डू गोपाल जी के भी तुलसी अर्पण कर देंगे इनके चरणों में। और भक्तों मैं इत्र लगाना भूल गई थी, अगर आपके पास इत्र है तो लड्डू गोपाल जी के, गणेश भगवान के, विष्णु भगवान के, सभी के आप इत्र लगा दें। तो मैं इत्र लगा दूंगी और ये जनेऊ पे लगा दूंगी। विष्णु भगवान जी के जनेऊ पे भी हम इत्र लगा देंगे और सभी के मतलब इत्र लगा देंगे। ये इत्र मैं इनके पास ही रख दूंगी। और अब कर लेंगे हम महात्म, कर लेंगे जो कहानी है काशी की वो कर लेंगे, जो पुत्रदाय काशी की कहानी है। तो हाथ में थोड़े से हम तिल ले लेंगे, फूल ले लेंगे, उसके बाद हम निकालेंगे जो पुत्रदाय काशी की कथा है पौष माह की वो निकालेंगे। तो यहाँ पे देख लेंगे हम पौष माह की जो एकादशी है। तो पहले हम कर लेंगे पुत्रदाई काशी की जो कथा है ये कर लेंगे, उसके बाद करेंगे हम आरती। तो मैं आपको कथा नहीं सुना रही हूं। तो कथा करने के बाद ये जो हमने हाथ में तिल और फूल लिए हैं विष्णु जी के चरणों में कर देंगे अर्पण कर देंगे, या फिर लड्डू गोपाल जी के चरणों में अर्पण कर देंगे। तो ये फूल और तिल मैंने भगवान विष्णु के चरणों में कर दिए हैं अर्पण। तो भक्तों जो पुत्रदाय काशी होती है साल में 2 बार आती है, एक बार पौष माह में शुक्ल पक्ष की काशी में आती है, और एक आती है सावन में जो आता है ना शुक्ल पक्ष की जो एकादशी होती है एक उसमें आती है। तो 2 होती हैं पुत्रदाय काशी साल में। तो ये जो एकादशी है जो पौष माह की जो है ये है 2 जनवरी की सोमवार के दिन है। उस दिन आप लड्डू गोपाल जी और विष्णु भगवान की सिंपल तरीके से पूजा कर सकते हैं। तो मैंने बिल्कुल आपको सिंपल तरीके से बताई है, जो आप भोग लगाना चाहें फलाहार का भोग लगाएं उस दिन, लड्डू गोपाल जी को भी अगर आप भोग लगा रहे हैं उस दिन अन्न का भोग ना लगाएं, और चावल तो उस दिन बनाए ना घर में, आपको मतलब कि भोग भी क्या नहीं लगाना और खुद भी नहीं खाने और परिवार में भी बना के नहीं देने हैं। और भक्तों आप व्रत रखना चाहें तो रख सकते हैं पुत्रदाय काशी की, जैसे मैंने आपको बताया संतान प्राप्ति के लिए होता है तो आप रख सकते हैं, नहीं तो आप खाली पूजा भी कर सकते हैं। तो अब कर लेंगे हम आरती। तो आरती करेंगे सबसे पहले हम गणेश जी की आरती कर लेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा, जय गणेश जय गणेश जय। बात करेंगे हम विष्णु भगवान जी की लक्ष्मी जी की आरती। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट। तो उसके बाद विष्णु भगवान जी के बाद हमें माता लक्ष्मी की आरती करनी है, फिर करनी है हमें बाल स्वरूप लड्डू गोपाल जी की आरती। जो भी आपको आरती आती है आप वो आरती करें। उसके बाद हम ये जो दीपक मतलब जलाया हुआ है थाली हम रख देंगे, थोड़ा सा पानी लेंगे हाथ में, और
आरती कर लेंगे हम ठंडी। ठंडी करने के बाद हम सभी को आरती देंगे और जो भी सभी घर में मेंबर हैं सभी आरती ले लेंगे। तो सभी को आरती दे देंगे, उसके बाद घर में ले लेते हैं सभी आरती और भक्तों कुछ हम दक्षिणा चढ़ा देंगे। तो ये दक्षिणा आप मंदिर में दान कर सकते हैं, पूजा में कोई भी गलती हो जाए हमसे तो इसलिए हमने ये दक्षिणा चढ़ाई है, इसको हम दान कर देंगे किसी को भी। किसी गरीब को कर सकते हैं, ब्राह्मण को कर सकते हैं, किसी जरूरतमंद को भी कर सकते हैं। लूंगी मैं चरण स्पर्श सभी भगवान के। तो ये सिंपल तरीके से मैंने आपको बताया पुत्रदा काशी की पूजा विधि। तो अब इस वीडियो का मैं यहीं पे एंड करूंगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें। राधे राधे, जय श्री कृष्णा।